हेलो दोस्तों, फिर से योगेंद्र शर्मा में दोगुनी ऊर्जा के साथ, क्योंकि जो ऊर्जा आप मुझे दे रहे हैं उससे वो दोगुनी हो रही है। तो उस दोगुनी ऊर्जा के साथ फिर से आपकी सेवा में मैं हाजिर होता हूँ, आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए मैं फिर से आया हूँ। और आज क्या लेकर के आया हूँ, मैं आज लेकर के आया हूँ यूज ऑफ शुड, ऑट टू और मस्ट। तीनों का यूज चाहिए के अर्थ में होता है, तीनों का यूज किस में होता है, चाहिए के अर्थ में है, लेकिन अंतर बहुत थोड़ा थोड़ा। और उसके लिए क्या करना होगा, वही मेरी पुरानी बात, रटी रटाई बात है। आप कहोगे कि तो एक ही बात बोलते हैं, लेकिन नहीं, बोलनी पड़ेगी मुझे है? उसी से आपको फायदा मिलेगा, वही आपको फायदा पहुंचाएगी। क्या कि वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखोगे तो पता चलेगा कि इनमें क्या अंतर होता है। थोड़ा अंतर होता है, शुड भी चाहिए के अर्थ में यूज होता है, ऑट टू भी चाहिए के अर्थ में यूज होता है, और आपका क्या मस्ट भी चाहिए के रूप में यूज होता है। तो इन तीनों में क्या अंतर होता है वो आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। बहुत ही छोटा सा अंतर होता है इसमें। तो सबसे पहले मैं शुड का यूज करता हूँ, चाहिए के लिए। शुड का यूज कहाँ होता है, केवल हमें सेंटेंस को ये देखना होता है कि शुड का यूज हमें कहाँ करना होता है, कि जब किसी वाक्य में हम कोई सलाह दें, कोई सुझाव दें है, कोई कर्तव्य बोध कराएं है, कहने का मतलब कोई सामान्य सी बात करें, कोई बहुत ही नॉर्मल सी प्रक्रिया जहाँ हो वहाँ किसका यूज कर देते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। बहुत सामान्य सी बात, नॉर्मल सी बातें जो होती हैं, और जिसका एग्जाम्पल क्या है, हमें रोज पढ़ना चाहिए। कितनी नॉर्मल बात है, नॉर्मल सी बात है ये कि हमें रोज पढ़ना चाहिए। हाँ, कर्तव्य बोध है हमारा, ये हमारा कर्तव्य है पढ़ना, तो हमें पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या, वी शुड रीड डेली। वी, जैसे कि हमने पीछे टेंसेस में बताया है कि सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ही कार्य करती हैं, मॉडल्स में आती हैं ये। उसके बाद में मैंने अपनी अर्लियर वीडियोज़ में आपको बताया, आपने यदि देखा हो कि हमेशा इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो वी शुड रीड, और उसके बाद में अदर वर्ड्स में आ गया डेली, हमें रोज पढ़ना चाहिए। तो मैं प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, हाँ प्रतिदिन जाना चाहिए मंदिर, वैसे भी जाना चाहिए, मन को शांति मिलती है। वी गेट सॉलिस देयर, वी गेट कंटेंटमेंट देयर, वी गेट सेटिस्फैक्शन देयर, हाँ मंदिर में जा करके, ठीक है। तो क्या होता है, तुम्हें प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया यू, उसके बाद में वही शुड लगाया, गो टू टेम्पल डेली, प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, नॉर्मल सी बातें। तो जहाँ नॉर्मल सी बातें हों वहाँ किसका यूज होता है, शुड का यूज होता है। अब शुड के बाद में हम बताते हैं ऑट टू का यूज। ऑट टू का यूज कैसे होता है, कि जब वाक्य से हमें किसी नैतिक और धार्मिक कर्तव्य का बोध होता है, कोई ऐसा वाक्य जिसमें हमारा कोई नैतिक कर्तव्य, नैतिक का मतलब जिसमें कोई नीति छुपी होती है, भाई नैतिक का मतलब क्या होता है, कोई नीति के अनुसार है, या धार्मिक का मतलब कोई धर्म के अनुसार किसी कर्तव्य का निर्वहन करना हो, उस ड्यूटी को हमें परफॉर्म करना हो, कोई रिलीजियस ड्यूटी है, हमारी मॉरल ड्यूटी है, इफ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट ड्यूटी, वी यूज ऑट टू फॉर चाहिए है। ये कहोगे क्या बोल रहा है, तो किसका यूज करते हैं, चाहिए का, किसके लिए, ऑट टू चाहिए के लिए यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए, किसके लिए, धार्मिक कर्तव्य के लिए। हाँ, और उसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है उसका, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, नैतिक कर्तव्य हो गया हमारा ये। और नैतिक कर्तव्य हो गया तो किसका यूज करना है, हमको ऑट टू का यूज करना है। ऑट टू का यूज कैसे, वी ऑट टू आदर करना, रेस्पेक्ट, वी ऑट टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए है, हमें प्रतिदिन है अपने बुजुर्गों की बातें सुननी चाहिए, नैतिक कर्तव्य है हमारा है, अपने हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी ऑट टू ओबे अवर एल्डर्स। तो क्या होगा, जहाँ हमारे धार्मिक और नैतिक कर्तव्य होते हैं वहाँ किसका प्रयोग होता है, ऑट टू का प्रयोग होता है। अब बात आती है मस्ट की है, तो देखिए मस्ट का प्रयोग जो होता है वो शुड और ऑट टू की अपेक्षा में थोड़ा सा उसमें बात में वजन आ जाता है, थोड़ी सी दृढ़ता आ जाती है, थोड़ी सी मजबूती होती है, कहने का मतलब निश्चित बात प्रकट होती है, कहीं ना कभी कभी सेंटेंस में अवश्य भी लिखा हुआ आता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कि और मैं अगली वीडियो में भी इसको बताऊंगा कि मस्ट और हैव टू का भी यूज एक सेंटेंस के लिए हो जाता है, हाँ वो मैं आपको किसी अगली वीडियो में बताऊंगा,
जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल मैं मस्ट का यूज बता रहा हूँ। तो मस्ट का यूज क्या होता है, जहाँ दृढ़ता हो, जहाँ दृढ़ विश्वास हो, हाँ, जहाँ पर कोई निश्चित बात हो। किसकी अपेक्षा, शुड और ऑट टू की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा बल दिया जाता है। जैसे तुम्हें समय पर पहुँचना ही चाहिए, एक तो होता है तुम्हें समय पर पहुँचना चाहिए, यदि ये सेंटेंस बोल दिया तुम्हें समय पर पहुँचना चाहिए तो शुड का यूज होगा, यू शुड रीच इन टाइम, लेकिन तुम्हें समय पर पहुँचना ही चाहिए, इसका मतलब क्या है, बात को प्रेशराइज किया जा रहा है। जब प्रेशराइज किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, यू हैव टू यूज मस्ट नॉट शुड। शुड का यूज नहीं करना, किसका यूज करना है, मस्ट का यूज करना है। तो कैसे करेंगे, तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए, यू मस्ट रीच और समय पर इन टाइम। कई बार मैंने देखा है कि समय पर के लिए ऑन टाइम लिखा जाता है, लिखते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे लिखते हैं, ध्यान रखना ऑन टाइम नहीं, क्या लिखा जाता है, इन टाइम लिखा जाता है, यू मस्ट रीच इन टाइम। हाँ, जैसे कि उसे यह कार्य अवश्य करना चाहिए, अवश्य आ गया, दृढ़ता आ गई इसमें, तो क्या बनेगा, ही मस्ट डू दिस वर्क। हाँ, और दोस्तों यदि सेंटेंस नेगेटिव होते हैं तो आपको पता है कि नेगेटिव का यूज कहाँ होता है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब होती है या ये मॉडल्स हैं उनके बाद में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ऑट टू की पोजीशन में ऑट के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये शुड ऑट टू और मस्ट का यूज मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में ढंग से आया होगा। इसी के साथ अपने सुझावों को समय समय पर मेरे पास भेजते रहिए ताकि मैं और थोड़ा सा रिफॉर्म कर सकूं और बढ़िया आपको स्टफ पेश करता रहूं। थैंक यू।